हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पनीर चिली को हम दो डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। तो सबसे पहले पनीर की कोटिंग के लिए यहाँ पे हम एक स्लरी बना लेंगे। तो हमने लिया है यहाँ एक बोल, बोल में हमने लिया है थोड़ा पानी और उसमें अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन। बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बेसन की लेयर जब पनीर पर आएगी तो वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ऊपर से हमने डाल दिया है सॉल्ट, सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ऊपर से मैं इसमें ऐड करूंगी 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। आप जितना भी पनीर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना बैटर बना सकते हैं। तो इन सबको मैं साथ में मिक्स कर लूंगी और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो हम एक लम्प फ्री बना लेंगे जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो, बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर हमें रेडी करना है। विस्क की हेल्प से भी हम सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह की हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमारी आ गई है। और अब चलिए आगे का प्रोसेस। तो कढ़ाई हमने एक ले ली है जिसमें हमने तेल डाल दिया है। अब हम तेल को गर्म होने देंगे और हमने जो पनीर लिया है उसको हम बैटर में डिप करके इस तरीके से गर्म तेल में डालते जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको डालना है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका जो पनीर बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। पनीर के क्यूब्स को इस तरीके से डीप फ्राई करना है। दोनों ही स्टाइल से जो मैं पनीर चिली बनाऊंगी उन दोनों ही स्टाइल के लिए यहाँ तक का स्टेप बिल्कुल कॉमन है। पनीर के जो क्यूब्स हैं हमको इसी तरीके से बैटर में डाल के, जो कॉर्नफ्लावर और जो बेसन का बैटर था उसका जो हमने तैयार किया था उसी बैटर में डिप करके इसी तरीके से हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो देखिए मैं पलट के दिखाती हूँ कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए हैं पनीर के क्यूब्स। और अब हम इनको इसी स्टेज पर प्लेट में निकाल लेंगे। तो पनीर क्यूब्स को अब हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हनी चिली पनीर जिसके लिए हम देंगे 3 तरह की सॉस। हमने लिया है यहाँ टमेटो केचप, साथ में है सोया सॉस और ये है कॉर्नफ्लावर स्लरी। कॉर्नफ्लावर को पानी मिला के पेस्ट बनाया है। तो चलिए हनी चिली पनीर की रेसिपी देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मिनट्स में बन जाती है। तो हमने एक कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला। तेल जैसे ही गर्म हो गया तो हमने उसमें बारीक कटी हुई लहसुन डाल दी। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉस। हमने सबसे पहले डाली टमेटो केचप और अब हमने डाली सोया सॉस और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब हनी यानी कि शहद। जी हाँ, हमें हनी डालना है। इसको अच्छे से मिला देंगे तो आप देख सकते हैं सॉस बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब हम पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस थोड़ी ज़्यादा है तो अभी हम थोड़े से और पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो सॉस की कोटिंग है वो अच्छे से पनीर के क्यूब्स के ऊपर चढ़ जाए। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर की जो हमने पेस्ट बनाया था पानी में, उसको हम डाल देंगे यहाँ पर 2 चम्मच के करीब हम डालेंगे ताकि जो इसकी जो सॉस है और जो ये थोड़ी सी थिकनेस इसमें आ जाए। तो देखा आपने कितनी जल्दी बन के रेडी हो गया हनी चिली पनीर। तो सर्व करते हैं इसे एक प्लेट में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और अब हम इसकी गार्निश करेंगे तिल से, सफ़ेद तिल से। आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा ये। सर्व करिए अपने बच्चों को, चाहे तो आप सॉस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बच्चे इसे ऐसे ही इंजॉय करेंगे। तो चलिए दूसरी स्टाइल पनीर चिली की, जो कि एक ट्रेडिशनल वे है जो पनीर चिली बनाने का, जिसके लिए हमने यहाँ ढेर सारी वेजिटेबल्स ले लिए हैं, जिसमें हमने लिया शिमला मिर्च, प्याज और साथ में लिए हैं पनीर के क्यूब्स। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया कढ़ाई, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हुई। और अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ में ग्रीन चिली। इनको हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। इस तरीके से आपको लंबे प्याज और इस तरीके से लंबे आपको शिमला मिर्च काट के डालनी है पनीर चिली में। और अब हम इसको मिला लेंगे। क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर चिली तो थोड़ा सा हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और सब्ज़ी हमारी जल्दी पक जाए, तो इसी स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे।
और इसको मिला लेंगे। तो हमें बहुत ही ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, थोड़ा सा इसका क्रंची फ्लेवर रखना है सब्जियों का। तो देखिए हमारी जो सब्जियां थी वो लगभग लगभग जितनी हमें चाहिए थी पकाना था उतनी पक चुकी हैं। हल्का सा आप साइड पे देखते हैं तेल निकलने लगा है, तो इसी स्टेज पे हमने इसमें डाल दिया टमेटो केचप और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम डालेंगे सोया सॉस, इसको भी मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना टेम्प्टिंग लग रहा है इसी स्टेज पे ही। और इसमें मैंने डाली लाल मिर्च, इसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी सोया सॉस हमने उसमें और मिलाई है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के जो क्यूब्स हमने डीप फ्राई किए थे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से बन के रेडी है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे कॉर्नफ्लावर जिसे हमने पानी में घोल के रखा था। जब भी आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो उसको एक बार हिला लीजिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है पानी में। तो इस तरीके से इसे मिला लिया तो ये बिल्कुल बन के रेडी है। चलिए सर्व करते हैं। ये रहा हमारा टेस्टी चिली पनीर। गाइज रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।